भागलपुर से एक हृदय विदारक घटना सामने आ रही है, जिसे सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मामला भागलपुर के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ का है। वैसे तो पुलिस का नाम सुनने से अक्सर ही कोर्ट कचहरी या फिर क्राइम की सीन याद आती है। कई बार पुलिस वाले की वर्दी भी दागदार होती है, पर ऐसे भी कई मौके आते हैं जिसमें पुलिस की पीठ थपथपाने का मन करता है। कुछ ऐसा ही भागलपुर में देखने को मिला। दरअसल जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्ची को गंगा नदी के ऊपर बने विक्रमशिला पुल की रेलिंग के बगल में गार्डर पर थैला में बंद कर रख दिया। टॉर्च दीजिए ना, इधर पकड़ते हैं, निकालिए इसको। तुम देखा रहे कौन गाड़ी गाली से था रहे? नहीं नहीं, हम आए ना घूमने, तो ये बच्चा का आवाज है। आवाज किसी को यहाँ पर पाया नहीं है? किसी को देखा नहीं यहाँ पर? बच्चा को देखे तो हम रुक गए। अरे विक्रमशिला पुल की बिजली खंभा 113 के बगल से एक राहगीर गुजर रहा था। उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। राहगीर ने इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दी। बिहार पुलिस के जवान ने जान हथेली पर रखकर गार्डर पर चढ़कर बच्ची को बाहर निकाला। नवजात बच्ची थैले में कपड़े में लिपटी हुई रो रही थी। इसकी सूचना तुरंत SDO व DSP को दी गई, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उसे चाइल्ड लाइन के सहयोग से अनाथालय में रखा जाएगा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और भागलपुर पुलिस को मसीहा बता रहे हैं। टॉर्च दीजिए ना, इधर पकड़ते हैं, निकालिए इसको। तुम देखा रहे कौन गाड़ी गाली से था रहे? नहीं नहीं, हम आए ना घूमने, तो ये बच्चा का आवाज है। आवाज किसी को यहाँ पर पाया नहीं है? किसी को देखा नहीं यहाँ पर? बच्चा को देखे तो हम रुक गए। अरे वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुल के रेलिंग के बगल में गार्डर पर थैले के अंदर कपड़े में लिपटा हुआ कुछ रखा है और पुलिस के जवान उस थैले को बाहर निकालते हैं और थैले से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। फिलहाल बच्ची को डॉक्टर्स की देखरेख में रखा गया है। डॉक्टर्स और नर्स की टीम द्वारा आवश्यक उपचार और देखभाल किया जा रहा है, पर जिस तरह से नवजात को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, वो कहां का न्याय है? क्या माँ का कलेजा नहीं कांपा होगा जिसको 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, उसे मरने के लिए पुल पर फेंक दिया? इस मामले को लेकर SSP आनंद कुमार ने बताया कि विक्रमशिला पुल पर नवजात के मिलने की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि विक्रमशिला पुल पर यातायात पुलिस की गश्ती के दौरान इस नवजात को एक थैली में बंद कर किसी ने छोड़ दिया था। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हुए। इसी भीड़ को देखने के लिए गश्ती वाले जैसे ही वहां खड़े हुए तो उन्हें उसे थैली में नवजात शिशु दिखा। उस बच्ची को पुलिस ने कुशलतापूर्वक वहां से उठाकर सीधे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका कुशलतापूर्वक इलाज चल रहा है। SSP ने यह भी बताया कि इस नवजात शिशु को बरामद करने में वक्त लगता तो उसे बचाया नहीं जा सकता था। गश्ती में तैनात जवान के इस कार्य से खुश होकर SSP ने पुलिसकर्मी को धन्यवाद कहा। हाँ देखिए, कल जो हमारा ट्रैफिक से जो जवान वहाँ पे विक्रमशिला पुल पे तैनात करते हैं, और दोनों साइड से नवगछिया की तरफ से भी और भागलपुर की तरफ से ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन होता है ताकि पुल पर जाम ना लगे, तो उस टीम के द्वारा एक जो नवजात बच्चा था जिसका जन्म कुछ घंटे पूरे ही हुआ था, तो उसको देखा गया और तुरंत जो है उस बच्चे को मायागंज अस्पताल में शिफ्ट किया गया और उसमें जो भी समुचित चिकित्सा व्यवस्था है वो दी गई और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है अगर वो हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकार एक अच्छी पहल है और एक जान को हमने बचाया जो कि अगर वहाँ अनअटेंडेड रह जाता तो हो सकता है बच्चा नहीं बच सकता। ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, ये तो मानवता के खिलाफ है।
आप मानव हैं और मानव को इस तरीके से मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये किसी भी तरीके से माननीय के लिए। सबरंग भागलपुर बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर, ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है। हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नियर होटल चिन्मय, कटहलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भाजपा नेता सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोझ बताया, इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथ ले लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको नमन किया तो भाजपाइयों ने मजे की राजनीति कर दी। बात नीतीश कुमार के एनडीए में फिर से शामिल होने तक पहुंच गए। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोझ बताकर एक नया ही राजनीतिक मुद्दा ला दिया। इसको लेकर विधायक अजीत शर्मा ने जमकर सुशील मोदी को धोया और कहा 2024 के चुनाव में भाजपा को जनता जड़ से उखाड़ फेंकेगी। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सुशील मोदी को अपनी चिंता करनी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है जिस पर वो ध्यान नहीं देते, हिंदू मुस्लिम कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उन्हें चिंता है कि नीतीश कुमार बोझ बन गए, कोई किसी पर बोझ नहीं है, सब अपने मेहनत और अपने पैरों पर है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सुशील मोदी को अपनी चिंता करनी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है उस पर वो ध्यान नहीं देते, हिंदू मुस्लिम कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आखिर क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की राजनीति करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बोझ हो गए, उनको बड़ी चिंता है दूसरे के बारे में। आपको जनता ने चुन के जिसको भेजा केंद्र में सरकार, पहले आप बात कीजिए, आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं? कोई किसी के लिए बोझ नहीं होता है। हर व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा लेता है, अपने पैर पे खड़ा होता है और अपने देश के लिए काम करता है। आप किसी को बोझ कैसे बोल सकते हैं? कोई किसी के लिए बोझ नहीं होता। नीतीश जी को जनता ने 18-19 वर्ष मुख्यमंत्री के पद पर चुन के रखा है। आप कितने दिन मुख्यमंत्री बने हैं पहले ये जनता को बताइए। इसलिए किसी को बोझ मत बोलिए। आप चूंकि 2024 में आप हारने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गद्दी से जनता उखाड़ फेंकेगी, इसी का डर है। कोई बोझ बन गया, कांग्रेस नहीं पूछ रही, कांग्रेस की बात कर, कांग्रेस को ऐना दिखाने का काम मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को आजाद कराने से लेकर जो विकास किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज महिला आरक्षण की बात कीजिए, आदरणीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था में जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिया, किसने पहला दिया? आदरणीय राजीव गांधी ने। और आप आज जो बिल लाए हैं, कहते 2029 में परिसीमन के बाद जनसंख्या के गिनती के बाद होगा, ये क्या बात है? अगर आप बिल लाए तो आज से चालू करिए और सभी जाति सभी धर्म के लोगों को लेके, चाहे वो ओबीसी हो, फॉरवर्ड कास्ट हो, SC ST हो, दलित हो, जो भी है, सबको समान रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये कांग्रेस की विचारधारा और सिद्धांत है, किसी एक को देके ये कतई ठीक नहीं है। भागलपुर में डेंगू का कहर जारी है। डेंगू से अब नन्हे मासूम भी पीड़ित हो रहे हैं। 5 महीने की बच्चे पर डेंगू का असर देखने को मिल रहा है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रोजाना 4-5 बच्चे डेंगू से पीड़ित सामने आ रहे हैं, तो वहीं निजी क्लिनिक में भी छोटे बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं अन्य डेंगू मरीज की बात करें तो मायागंज अस्पताल में 100 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। 24 घंटे में डेंगू के 30 और मरीज मिले हैं, वहीं 34 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए। भागलपुर में अब तक 650 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। वहीं जिन मरीजों का इलाज घर में चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग उसकी मॉनिटरिंग करेगा। दिखाया तो वही बताया कि इसको डेंगू का शिकायत है। कितना उम्र होगा?
5 महीना हो रहा है। घर में भी किसी को हुआ था? नहीं। अगल बगल किसी को भी नहीं? घर में अगल बगल? अगल बगल में हमको नहीं पता है, हम तो फर्स्ट ही जांच कर। पानी वानी भी जमा रहता है? मेरे घर के बगल में पानी पीछे में बहुत रहता है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने कहा, घर में किन्हीं को अगर डेंगू हो या घर के आसपास जल जमाव है तो इससे छोटे छोटे बच्चों को डेंगू हो रहा है। हाँ सही कहा कि छोटे बच्चों में भी हो जा रहा है और बच्चे में डेंगू और खतरनाक होने का संभावना रहता है। और ये बता दें कि इसमें इम्यूनिटी फैक्टर उतना काम नहीं करता है और इसीलिए जो बड़ों में मच्छर काटता है, डेंगू के मरीज जिसको जो हो चुके हैं वो मच्छर यदि उनको काटेगा और वही मच्छर फिर बच्चों को काटेगा तो वो डेंगू हो जाएगा। तो खुद बचिए, सबसे पहला है कि पहले तो है कि हो नहीं, उसके लिए उपाय सब लोग जानते हैं कि मच्छर पनपने नहीं दें, ओडोमास लगाएं, नेट में रहें, फुल शर्ट पहने, मोजा पहने इत्यादि है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट हो गया है, अब तो हर घर में डेंगू फैल चुका है। तो जिसको भी डेंगू है वो अपने को प्रोटेक्ट रखें, उसको मच्छर नहीं काटे और इसके लिए वो हरदम मच्छरदानी के अंदर रहें, बाहर निकले ओडोमॉस लगा के, नहीं तो आपको मच्छर काटेगा और वही फिर दूसरे सदस्य को काटेगा, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, उसको डेंगू हो जाएगा। कैसे इससे बच सकते हैं, खास करके जो छोटे बच्चे हैं, उसको होने के बाद परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, इससे बचने का तो मैं बता दिया कि बड़े बच्चे हैं तभी बच्चे छोटे बच्चे बचेंगे, इसलिए उनको भी प्रोटेक्टेड रखिए, खास करके जो बूढ़े और बच्चे हैं जो हमेशा घर में सोए रहते हैं उनको नेट के अंदर रखिए, और बड़े जो भी हैं यदि आप अस्थिर हैं तो उसको ओडोमॉस लगा के रहिए, फुल कमीज और मोजा पहनिए। ये बोलिए कितने बच्चे अभी लगभग हर दिन पहुंच रहे हैं डेंगू से पीड़ित? 4-5 बच्चे डेली नया केस आता है और उसको मॉनिटरिंग कर रहा हूं। अच्छी बात यह है कि हमारे जो शुरू से जो कांटेक्ट आ रहा है उसमें से अभी टच वुड एक भी नहीं कॉम्प्लिकेशन में गया है, लेकिन कई बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो कहीं से आ रहे थे, मतलब कहीं दिखा रहे थे या नहीं दिखा रहे थे, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ रहा है। कब तक कम होगा, कब से कम होने लगेगा डेंगू? नवंबर से जब ठंड गिरेगी और इधर बरसात का सीजन खत्म होगा तब होगा, अभी भी 1-1.5 महीने का है। इसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि ये जानना कि कब सिंपल है और कब जो है खतरनाक हो रहा है डेंगू। तो इसको समझने के लिए आप ये समझें कि जब सिर बुखार दर्द हो, उल्टी नहीं हो रहा हो तो ये सिंपल है। यदि उल्टी ज़्यादा होने लगा, पेट दर्द ज़्यादा होने लगा, सूजन होने लगा और बेचैनी होने लगा और कहीं से ब्लीडिंग के लक्षण हो रहे हैं तो समझिए डेंगू खतरनाक स्थिति में है। आप डॉक्टर के कंसल्ट में तुरंत जाइए और पहले से भी डेंगू हो गया तो एक डॉक्टर को आप पकड़ के आप उनके सुपरविजन में रहिए। एक बात और बता दें कि डेंगू जो CBC होकर आते हैं प्लेटलेट जानने के लिए, वो प्लेटलेट का जो नियम है, किताबी नियम है, वो ऐसे है कि यदि 1 लाख से ऊपर है और डेंगू के मरीज हैं वो, तो वो दिन में कम से कम 2 बार कराएंगे, दिन में नहीं सॉरी उसमें 1 बार कराएंगे, और 30,000 से जो 1 लाख के बीच जिसका प्लेटलेट है वो 2 बार कराएंगे, और जिसको 30,000 से कम है वो जो है दिन में 3 बार प्लेटलेट कराएंगे। प्लेटलेट ज़्यादा कमने से ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने का चांस रहता है जो खतरनाक होता है, साथ में इसमें पेनक्रियाटाइटिस, लीवर वगैरह सब इन्वॉल्व हो सकता है। ज़्यादातर ठीक हो रहे हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, डरे नहीं, लड़ें और सुरक्षित रहें, बचने का कोशिश करते रहें। धन्यवाद। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आए दिन अपनी मांगों को लेकर कभी छात्र, कभी शिक्षक तो कभी रिटायर्ड कर्मी प्रदर्शन करते दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्र अपनी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ परीक्षा व प्रमाण पत्र को लेकर विश्वविद्यालय का खूब चक्कर लगाते दिखते हैं। छात्रों की परेशानी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला और प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेत्री अनामिका शर्मा ने कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल को खुली चुनौती देते हुए कहा
कि अगर आप विश्वविद्यालय के कामकाज को दुरुस्त नहीं रख पाते तो आप संन्यास ले लें। अगर विश्वविद्यालय में आप काम कर रहे हैं तो आप एक सरकारी मुलाजिम हैं। आपको छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके कार्य को समयानुसार करते रहना होगा, अन्यथा कांग्रेस इसके विरुद्ध आंदोलन करेगी। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कुलपति हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ। वहीं प्रोफेसर योगेंद्र प्रसाद को विश्वविद्यालय का लोकपाल बनाए जाने पर भी काफी आक्रोशित दिखे। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रोफेसर योगेंद्र प्रसाद खुद एक भ्रष्ट अधिकारी है, उन्हें लोकपाल अधिकारी बनाना कहीं से सही नहीं है। अगर उन्हें जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। महाशय, आप कुलपति रहिए या महाकुलपति रहिए, आप एक सरकारी नौकर हैं, आप विद्यार्थियों के नौकर हैं। ये कुलपति, आप इनको 112 फोन ट्राई करके देख लीजिए, ये कॉल तक नहीं रिसीव करते हैं। आप यहाँ नौकरी करने आए हैं, हर समाज सेवी या व्यक्ति आपसे बात करने यदि कॉल करता है तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप कॉल नहीं उठाइएगा। और आप अपने को नीतीश कुमार बुझ रहे हैं, आप जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता ये जो दरबार लगाते हैं, ये इनका सुनियोजित दरबार होता है। इसमें 11 बजे के बाद लोगों की एंट्री नहीं की जाती है, और वैसे ही लोगों को उस दरबार में बुलाया जाता है जो उनका चाटुकार रहता है, जो उनका चापलूस रहता है। यदि भागलपुर के कुलपति की इतनी औकात है तो जनता दरबार को खुला छोड़े और उसमें छात्र की समस्याओं को लेकर आते हैं, जेन्युइन छात्र की समस्या को लेकर आते हैं, और उस समस्या का समाधान आप करिए। तब आप जानते जानेंगे कि आप क्या जनता दरबार लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये कुलपति जो है, ये पूरी तरह से राजनीति है, जबकि प्रोफेसर योगेंद्र महतो पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हैं। एक बार नहीं, उनके भ्रष्टाचार के कई मुद्दे सामने आए हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को यदि लोकपाल नियुक्त किया गया है तो कहीं कुलपति के इसमें भ्रष्टाचार में उनकी सहभागिता तो नहीं है? क्योंकि आप देखिए कि प्रोफेसर योगेंद्र महतो जो है, वो एक ही सत्र में, एक साल में ही वो पीएचडी और एमएड की दोनों की डिग्री प्राप्त किए हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। एक सत्र में आप या तो पीएचडी करिएगा या एमएड करिएगा। यदि एक सत्र में आप दोनों डिग्री प्राप्त किए हैं, यानी कि आपके पास फर्जी डिग्री है, सही डिग्री तो हो नहीं सकता है, तो ये तो साबित हो गया कि वो फर्जी डिग्री धारक है। दूसरा आप आइए कि वो व्यक्ति टीएनबी महाविद्यालय में अनाधिकृत रूप से दो आवास में वो रहता है, जबकि एक आवास का वो पे करता है और एक आवास को कैप्चर करके रखे हुए है, तो वैसे व्यक्ति को आप कैसे लोकपाल बनाते हैं? तीसरे मुद्दे पर आप आइए कि टीएनबी महाविद्यालय में रहते हुए लकड़ी के दुकान से मिठाई के बिल का भुगतान करता है और वो पैसा उठाता है, तो ऐसा व्यक्ति को कुलपति किस आधार पर लोकपाल की नियुक्ति उनको किस आधार पर किए हैं? कहीं इस भ्रष्टाचार में, योगेंद्र महतो के भ्रष्टाचार में कुलपति का भी योगदान तो नहीं है, या वो भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं है? अब आइए कि लोकपाल की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति पर आइए कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस आधार पर लोकपाल की नियुक्ति होती है। तो पहला तो होता है कि उम्मीदवार को, चलिए आयु 35 से लेकर 65 वर्ष तक होना चाहिए, वो पूरी हो गई। शासन, कानून या न्याय में होना चाहिए, तीनों में से एक को डिग्री उस व्यक्ति के पास नहीं है। और आइए कि उम्मीदवार को निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए, जबकि योगेंद्र महतो के ऊपर एक बार नहीं कई बार भ्रष्टाचार का शिकायत दर्ज हुआ है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया है। जो व्यक्ति दो दो घर को जो है अपने पास कैप्चर करके बैठा है, उसके बारे में फिर कहना क्या, जो फर्जी डिग्री के आधार पर। इसलिए उसके बाद कुलपति से जब इस विषय पर चर्चा किया गया तो वो कहते हैं कि अरे वो तो अब रिटायर कर गए हैं, उसको अब बात को उठाने से क्या फायदा। तो कुलपति जी आप बताइए ना, आपका हम मर्डर कर देते हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर आज राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण के द्वारा जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण एवं विधानसभा स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत सेन, DDC अनुराग कुमार, SDM धनंजय कुमार के अलावे कई अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। DM सुब्रत सेन ने कहा कि आगामी 2024 के चुनाव को लेकर सफलतापूर्वक संपन्न करने को लेकर रणनीति अभी से तैयार की जा रही है। राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक द्वारा जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक का प्रशिक्षण था। कल अन्य प्रखंड से चुनाव से संबंधित लोग प्रशिक्षण लेने पहुंचेंगे। साथ ही मूल्यांकन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कई मास्टर प्रशिक्षक को तैयार किया गया है। कार्यक्रम भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित किया गया है। देखिए, अभी जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मास्टर ट्रेनर है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है आज, और फिर जो है कल हम लोग जो अन्य जो मास्टर ट्रेनर रहेंगे जो हमारे आगे आने वाले चुनाव में, जो चुनाव में मतदान कर्मी हो या मतगणना से संबंधित कार्य, या चुनाव में बहुत सारा कोषांग बनता है तो जो उनके विभिन्न कार्य होते हैं उसके संबंध में जो मास्टर ट्रेनर हैं जिला स्तर के, उनको कल ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो जिला स्तर के पदाधिकारी को हम लोगों ने अभी से प्रतिनियुक्त किया है विभिन्न कार्यों के लिए निर्वाचन संबंधी, उनको आज ट्रेनिंग दी जा रही है। और हम लोगों का यही प्रयास है कि सब लोग अच्छे से प्रशिक्षित हों ताकि किसी तरीके से भी कहीं कोई त्रुटि की संभावना। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय पोषण अभियान के तहत जिला स्तरीय पोषण परामर्श केंद्र राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे सूबे में किया गया है। कार्यक्रम जिला प्रशासन भागलपुर द्वारा आयोजित की गई, जिसके 5 दिन शेष रह गए। आज के कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलन कर किया। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रेणु कुमारी ने फीता काट कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत में जीविका दीदी ने स्वागत गान गाकर लोगों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। साथ ही स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, सशक्त भारत के उद्देश्य से यह कार्यक्रम पूरे सूबे में कराया जा रहा है। इस वर्ष पोषण माह की गतिविधियां मानव जीवन चक्र के प्रमुख चरणों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है, जिससे लोग अपने जीवन को सुखी व स्वस्थ बना सके, जिससे अपना देश भी स्वस्थ, स्वच्छ और समृद्ध बने। वहीं DM सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से समाज में नई क्रांतियां आती हैं और लोग पारंपरिक चीजों से जुड़ते हैं। आज के समय में मोटे अनाज को लोग उपयोग में नहीं लाते, लेकिन यह कार्यक्रम हमें सीख देती है कि हमें मोटी अनाज, ताजे फल सब्जी का भी उपयोग करना चाहिए। साथ ही बच्चों के अन्न प्राशन की विधि यहां देखने को मिल रही है। अब शहरी क्षेत्र में इसे कम देखा जाता है। साथ ही अन्न प्राशन में और गर्भवती मां, नवजात शिशु, ऐसे लोगों को क्या खान पान होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम है, इससे पहले प्रखंड और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी जागरूकता कार्यक्रम करना है, और जागरूकता रथ भी लगी हुई है जो जिले में घूम रही है, अन्य स्थानों पर भी घूमेगी। इसका मूल उद्देश्य यही है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जब बच्चे का जन्म होता है तो माता और बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहे, उसके लिए उचित पोषण माँ को मिले, बच्चे को मिले, उसको लेकर के जो जागरूकता का कार्यक्रम है, बच्चे का समुचित टीकाकरण हो, और बहुत सारी स्कीम्स जो है वो ICDS के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, जीविका के माध्यम से भी जो है लगातार राज्य सरकार चला रही है। और ये हमारा राष्ट्रीय पोषण माह पूरे भारतवर्ष में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है। अब ये अंतिम चरण में है तो पूरे माह ICDS के तहत विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो पोषण माह में जो गतिविधि कराई जाती है उसका लगभग अब समापन है। उसी के क्रम में पोषण परामर्श केंद्र का आज आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से भी लोग आएंगे और आंगनवाड़ी सेविकाएँ भी आएंगी। इसमें मुख्य तौर पे ये बताया जाता है कि हमारी ICDS की सेवाएं क्या हैं, और इसमें बताया जाता है कि मोटे अनाज जिस जो पूर्ण रूप से विलुप्त होते जा रहे हैं उस पर हम लोग कैसे काम करेंगे, जो आसानी से गांव में अवेलेबल होता है गर्भवती महिलाओं को, हमारे बच्चों को वो आसानी से मिल जाता है कम खर्च में, वो खाना चाहिए। इसके अलावा ICDS के तहत प्रत्येक माह के 7 तारीख को गोद भराई होती है, 19 तारीख को अन्नप्राशन होता है, तो इस परामर्श केंद्र के माध्यम से ये भी प्रदर्शित किया गया है कि हमारे हर एक आंगनवाड़ी केंद्र पे ये दोनों होता है।
भागलपुर के ततारपुर स्थित जैन धर्मशाला में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा प्रमाण पत्र वितरण सम्मान समारोह सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ राजद के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान को पुष्प गुच्छ व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महासम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सहबाका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु, नाथनगर विधायक मोहम्मद अली अशरफ सिद्दीकी, डिप्टी मेयर सह मुख्य जिला प्रवक्ता डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन कार्यक्रम में मौजूद थे। महासम्मेलन के खास मौके पर राजद ने केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि आज देश का संविधान खतरे में है। जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान पर छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2024 के चुनाव में जनता जवाब देगी और भाजपा को केंद्र से उखाड़ फेंकेगी। गरीबों का मसीहा परम आदरणीय से लालू प्रसाद यादव जी और इवन नेता हम सबका डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के आदेशानुसार पूरे बिहार में अनुसूचित जाति आयोग जो प्रकोष्ठ है हमारे हर एक जिला में कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के निर्देशानुसार अभी हमारा जो संविधान है जो खतरे में है और जब तक देश का चौकीदार अपने कुर्सी पर विराजमान रहेंगे तब तक खासकर अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान से वंचित कर दिया जाएगा। हम लोग संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, रिजर्वेशन को बचाने के लिए निकले हैं। यही हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी सरकार और नेता के आदेशानुसार पूरे बिहार में घूम घूम कर अपने संविधान के बारे में अपने लोगों को मैं बता